नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर आप देखो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। और यहाँ पर आप देखो इस शेयर में अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में हमें एक राइजिंग चैनल पैटर्न फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। यह शेयर हमें 2 मई से लेकर आज ऑलमोस्ट 1 महीना होने आया है, यह शेयर एक राइजिंग चैनल पैटर्न में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम करने वाले हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक का टेक्निकल एनालिसिस और देखेंगे कि क्या इस शेयर में यहाँ से एक धमाकेदार तेजी आएगी या फिर कोई बड़ी गिरावट आने वाली है। इस शेयर को अभी हमें बाय करना चाहिए या फिर सेल करना चाहिए और अंत में हम देखेंगे कि इस शेयर में हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट्स क्या रह सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर बात आती है इस शेयर में सपोर्ट की, तो यहाँ पर आप देखो इस शेयर में अभी ये वाला जो लेवल है, ये ट्रेंड लाइन इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो ये शेयर इसी ट्रेंड लाइन पर मल्टी टाइम सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। अगर ये शेयर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो इस शेयर में एक बड़ी गिरावट आएगी और उसके बाद ये शेयर 907 के इधर दूसरा सपोर्ट है इस शेयर का और वो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर बात आती है इस शेयर में रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये शेयर इसी ट्रेंड लाइन पर मल्टी टाइम रेजिस्टेंस ऑलरेडी फेस कर चुका है। ये तो हो गया रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। अगर बात आती है शेयर में रेजिस्टेंस लेवल की, तो यहाँ पर 1000 रुपीज़ का लेवल इस शेयर के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो दोस्तों, यहाँ पर मैं इधर एक लाइन बना देता हूँ। यहाँ पर आप देखो कि दोस्तों ये जो 1000 रुपीज़ का जोन है इस शेयर में, ये इस शेयर में पहले इस शेयर ने इधर 2 बार सपोर्ट लिया था, उसके बाद इधर गैप डाउन ओपनिंग दी थी और जब इस शेयर में यहाँ से तेज़ी आई तो इस शेयर ने इसी लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया। इसलिए दोस्तों 1000 रुपीज़ का लेवल एक साइकोलॉजिकली भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है कि हाँ 1000 रुपये के ऊपर है या नीचे है, और दूसरे यहाँ पर पहले सपोर्ट लिया था और अब रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इसलिए दोस्तों जैसे ही ये शेयर इस लेवल को ब्रेक करेगा उसके बाद इस शेयर में एक अच्छी तेज़ी आएगी। आइए अब हम देख लेते हैं मैं इस शेयर में कब एंट्री लूंगा और मेरे क्या टारगेट्स रहेंगे। पहले तो अगर आपके पास ऑलरेडी कोई होल्डिंग है तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। अगर बात आती है फ्रेश बाइंग की, तो दोस्तों अगर ये शेयर 1000 रुपीज़ के ऊपर जाता है और 1005 रुपीज़ तक पहुँचता है तो मैं इस शेयर में एंट्री लूँगा, और उसके बाद जो मेरा सबसे पहला टारगेट रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 1150 रुपीज़ का, ये वाला जोन। अगर ये शेयर इस जोन के ऊपर जाता है तो बाद में ये शेयर हमें 1300 रुपीज़ तक के टारगेट्स अचीव करता हुआ दिखाई दे सकता है। पर दोस्तों यहाँ पर तभी एंट्री लेने का जब ये शेयर 1000 का लेवल ब्रेक करेगा। और दोस्तों अगर बात आती है शेयर में गिरावट की, तो यहाँ पर अगर ये शेयर इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो इस शेयर में गिरावट आने की संभावना रहेगी और ये शेयर 900 के लेवल पर सपोर्ट लेगा और वापस तेज़ी दिखाएगा। अगर बात आती है शेयर में हमारे स्टॉप लॉस की, तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस शेयर में वो रहेगा 980 रुपीज़ का। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, इस शेयर में मेरी कोई भी बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। धन्यवाद।